जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। अगर आप लोगों के घर में भी पैसा पानी की तरह बह रहा है, मतलब कि आपके घर में पैसा तो बहुत आ रहा है पर वो कहां पर जा रहा है आपको भी पता नहीं चल पा रहा है, या आपके घर में बिना बात के ही लड़ाई झगड़ा आजकल शुरू होने लगा है और आपके घर के जो मतलब सदस्य हैं उनका मन एकदम से लड़ाई करने को कर रहा है या विचलित हो रहा है, मन अशांत सा हो रहा है, या आपके कोई अगर दुकान है, कोई व्यापार है तो वो एकदम से मंदा हो गया है, वो चलना ही बंद हो गया है, तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है। कई बार ऐसी समस्याएं हमारे घर में होती हैं तो उस स्थान पर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और हम उस समय ये सोचते हैं कि शायद हमसे हमारे ऊपर कुछ दिक्कत आ गई है या कुछ हो रहा है हमारे ऊपर, पर ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। उस समय आप अपने घर में सबसे बड़ी एक गलती कर रहे होते हो, वो गलती आज हम इस वीडियो में आपको अच्छे से बता देंगे और आज से ही अपनी उस गलती को सुधार लेना है ना। तो सबसे पहली चीज़ हम आपको ये बताते हैं, आप लोग ये बात जानते होंगे कि लक्ष्मी जी और दरिद्रता, कौन है लक्ष्मी जी और दरिद्रता, ये दोनों बहन हैं। लक्ष्मी जी का मतलब क्या होता है, आपके घर में धन संपदा, मतलब लक्ष्मी जो कि हमारे घर में धन संपदा के रूप में रहती हैं। और दरिद्रता क्या होती है, दरिद्रता वो चीज़ होती है जिससे कि ना हमारे घर में पैसा आता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, सारे बुरे काम जितने होते हैं वो सारे दरिद्रता के अंदर ही आते हैं। मतलब कि दरिद्रता में जो इंसान रहता है उसके पास पैसा नहीं बचता, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, उसका मन अशांत सा रहता है ना। तो ये लक्ष्मी जी और दरिद्रता जी जो हैं ये दोनों बहनें हैं, है ना। अब होता क्या है दोस्तों, ये लक्ष्मी जी और दरिद्रता दोनों सुबह से लेकर शाम तक जो है भ्रमण पर निकलती हैं, सुबह और शाम विशेष रूप से ये भ्रमण पर निकलती हैं। तो उस स्थान पर इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि आप सुबह के समय और शाम के समय अपने दरवाजे को खुला ज़रूर रखा करो, ठीक है, क्योंकि उस समय लक्ष्मी जी के आने का समय होता है सुबह और शाम का, लक्ष्मी जी के साथ साथ में दरिद्रता के आने का भी समय होता है। उसी समय लक्ष्मी जी के साथ साथ में दरिद्रता भी आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। यहीं पर आती है सबसे बड़ी बात, अगर आपको भी लग रहा है कि आपके घर में इस तरीके की समस्या आ रही हैं तो समझ जाओ कि आपके घर में दरिद्रता ने प्रवेश कर लिया है। पर क्यों किया है, उसका क्या कारण है, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जो लक्ष्मी जी होती हैं ना वो मीठे से प्रभावित होती हैं। अगर आपके घर में कोई मीठा रखा हुआ है और आपके घर में जो सुबह और शाम का समय है उस समय दरवाजे खुले हुए हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी। मीठा कहने से मतलब है कि आपके घर में जो भगवान जी होंगे, आपने लड्डू गोपाल को मीठे का भोग लगाया होगा तो स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी, क्योंकि जिस घर में मीठे का कुछ ना कुछ भोग या सामान रखा हुआ होता है उस घर में लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को मीठा पसंद होता है। वहीं अगर दरिद्रता की बात करें तो दरिद्रता को सबसे पहली चीज़ तीखा पसंद होता है और खट्टा पसंद होता है। कौन कौन सी ये दो चीज़ें पसंद होती हैं, पहली चीज़ तीखा और दूसरी चीज़ खट्टा, किसको पसंद होती है, दरिद्रता को। ये वही चीज़ है, ये वही है लक्ष्मी जी की बहन जिनके घर के अंदर प्रवेश करने से घर में बहुत सारी दुख और समस्याएं आने लगती हैं, है ना। अब यहाँ पर गलती क्या होती है लोगों से वो आप सुनो। देखो तीखी क्या चीज़ होती है, होती है मिर्ची, है ना, और खट्टा क्या होता है, वो होता है नींबू। आपने देखा होगा कि सभी लोग अपने जो दुकान होती है दुकानों के बाहर नींबू और मिर्ची टांगते हैं, है ना, क्योंकि मिर्ची तीखी होती है और जो नींबू होता है वो खट्टा होता है। तो वो आखिर टांगने का क्या कारण रहता है, वो यही कारण रहता है कि उनकी जो दुकान है वो अच्छे से चलती रहे, जब दरिद्रता मतलब उनके दुकान पर आए या उनके सामने से निकले तो वो बाहर ही रुक जाए, क्योंकि जो दरिद्रता की मनपसंद चीज़ है ना वो तीखी चीज़ है और खट्टी चीज़ है, तो वो जब उसे वो चीज़ बाहर के बाहर ही मिल जाएगी तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश क्यों करेगी या आपकी दुकान के अंदर प्रवेश क्यों करेगी, है ना। तो यही कारण होता है कि जो नींबू और मिर्ची है वो दुकानों के बाहर बांधा जाता है, कुछ कुछ लोग अपने घर के बाहर भी बांधते हैं, तो उसका बस यही कारण रहता है कि उससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है या आपके घर में कोई भी दुख समस्याएं जो चलती रहती हैं बीच बीच में वो नहीं आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये बात आप समझ गए कि नींबू और मिर्ची दरिद्रता को पसंद होती हैं और जो नींबू और मिर्ची दुकान के बाहर टंगे रहते हैं या कुछ लोग घर के बाहर भी टांगते हैं तो वो क्यों टांगते हैं, ठीक है। अब पर जो दुख और समस्याएँ आ रही हैं उसका कारण अभी तक पता नहीं चला, तो उसका कारण भी हम आपको बताते हैं। आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज ज़्यादातर लोगों के घर में होगा जो ये वीडियो को देख रहे होंगे। अब गलती यहीं से शुरू होती है, आप अपने फ्रिज में सारी सब्जियां रखते हैं, है ना, सारी सब्जियां रखते हैं कुल मिलाकर, है ना,
आप अपने फ्रिज में मिर्चियाँ भी रखते हो कि नहीं रखते हो ना। उसके साथ में कई सारे लोग नींबू भी अपने फ्रिज में ही रखते हैं, है ना। देखो, मिर्ची और नींबू अलग अलग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नींबू और मिर्ची एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर रखे हुए होंगे, समझ जाओ वो दरिद्रता का स्थान हो गया, है ना। क्योंकि नींबू और मिर्ची एक साथ मिलने से वो दरिद्रता को बहुत पसंद आते हैं, तो वो स्थान हो गया दरिद्रता का। जब आपके फ्रिज में, फ्रिज एक बक्सा है, उस बक्से के अंदर एक ही स्थान है वो, क्योंकि पूरा एक फ्रिज होता है, उसके अंदर सभी सामान रखे होते हैं, तो पूरी एक ही चीज़ होती है अंदर, है ना। तो जब उस एक ही फ्रिज के अंदर आप नींबू भी रख देते हो, भले ही एक के ऊपर एक मिलाकर नहीं रखते हो, एक इधर रख दिया नींबू और मिर्ची थोड़ा ऊपर रख दिया ना, पर रखे आपने एक ही जगह पर हैं, तो जब ये नींबू और मिर्ची आप रख देते हो अपने फ्रिज के अंदर, तो ये जगह आ जाती है दरिद्रता को पसंद, और दरिद्रता सीधे आपके फ्रिज में आकर बैठ जाती है। सीधी सी बात है, आपके घर में आकर बैठ जाती है, और जब दरिद्रता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो आप समझ जाओ आपके घर में पैसा आ रहा है वो जाता जाएगा, आपके घर में बिना बात के लड़ाई होती जाएगी, ठीक है। यही नींबू मिर्ची अगर आपके द्वार पर टंगा होता, तो दरिद्रता आपके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करती, वो बाहर के बाहर ही रुक जाती। पर आपने नींबू मिर्ची को बाहर ना टांगते हुए आपने अपने फ्रिज में उसे जगह दे दी, नींबू और मिर्ची दोनों एक साथ रख दिए, तो वो जगह हो गई अब दरिद्रता की, क्योंकि दरिद्रता को तीखा और खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपने बाहर भी नींबू और मिर्ची को एक डलिया में या आस पास में रखा हुआ है ना, तो उनको दूर दूर कर दो, है ना। और फ्रिज में रखा हुआ है, भले ही फ्रिज के ऊपर वाले ड्रायर में आपने नींबू रख दिया, नीचे वाले ड्रायर में मिर्ची रख दिया, तो भी वो एक ही माना जाएगा, एक ही जगह में, क्योंकि दोनों की सुगंध मिलती रहेगी। फ्रिज बंद रहता है तो दोनों की सुगंध एक दूसरे से मिलती रहेगी, तो फिर आप समझ जाओ कि वो स्थान दरिद्रता का हो गया, है ना। तो ध्यान रखो कि मिर्ची अगर आपने यहाँ पर फ्रिज में रखी है तो नींबू को बाहर रख दो, नींबू अगर आपने फ्रिज में रखे हैं तो मिर्ची को बाहर रख दो। इन दोनों ही नींबू या मिर्ची को एक साथ कभी भी एक स्थान पर मत रखना। बांधना है तो इन नींबू मिर्ची को आपने द्वार पर बांधना, द्वार के बीचों बीच बांधना, है ना। इससे दरिद्रता भारी रह जाती है, वो अंदर आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो दरिद्रता रहती है वो क्यों हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, और क्यों हमारे घर में दुख और समस्या जाती है। सबसे बड़ी बात वहीं आती है आपके घर के अंदर के फ्रिज में, है ना, क्योंकि उसके अंदर हो जाता है एक साथ नींबू और मिर्ची, है ना। तो आपको बाहर भी गलती से भी नींबू और मिर्ची को एक साथ नहीं रखना, इस बात का आज से ही आप लोग ध्यान रख लो। इसीलिए हमने कहा था आज से ही अपनी इस गलती को सुधार लेना। घर में नींबू और मिर्ची अगर एक साथ रखा हुआ है और दुख और समस्याएं चल रही हैं घर में, तो उनको अलग अलग कर दो और आगे से कभी भी एक साथ मत रखना। फिर देखो कि धीरे धीरे करके समस्याएं आपके घर से दूर जाती जाएंगी। तो ये वीडियो आप अपने परिजनों तक भी जरूर पहुंचाओ, ये बहुत ही मतलब उपयोगी वीडियो है जिन लोगों को ये बात नहीं पता है, क्योंकि कई सारे लोग सब्जी लाते हैं नींबू मिर्ची को सब फ्रिज में रख देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, नींबू और मिर्ची को अलग अलग रखना। आज से ही यह नियम बना लो, है ना, फ्रिज में गलती से ही मत रखना। एक कोई चीज़ का नियम बना लो कि मिर्ची हम फ्रिज में रखेंगे बस, है ना, इसके अलावा नींबू वगैरह सब बाहर रखना, है ना, एक साथ मत रखना। आज से ये जो है इसका आप लोग ध्यान रख लो, है ना। और अगर लक्ष्मी जी को आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कराना है, तो मीठे का भोग हमेशा भगवान जी के स्थान पर रखो, या मीठा अपने घर में कुछ ना कुछ ज़रूर तैयार करके रखो, है ना। ये लक्ष्मी जी को मतलब बुलाता है मीठी चीज़, है ना, क्योंकि लक्ष्मी जी को मीठी चीज़ पसंद है, और दरिद्रता को जो है तीखी और खट्टी चीज़ पसंद है। तो अगर आपने खट्टी और जो है तीखी चीज़ को एक साथ मिला दिया, तो वो दरिद्रता वहाँ पर पहुँच जाएगी। और अगर अलग अलग रखें तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तीखी चीज़ अलग रखिए, मीठी चीज़ मतलब खट्टी चीज़ अलग रखिए, मतलब नींबू और मिर्ची अलग अलग रखें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ एक साथ हो गई तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो आज से इन बात का ध्यान रखना, कोई भी समस्या आती है कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।